लंका के सभी योद्धा एक एक करके वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। मेरी हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि में परिवर्तित होती नजर आ रही है। अब मुझे ये सोचना है कि मेरी दानवी सेना में ऐसा कौन सा योद्धा है जो उस तपस्वियों को सदैव सदैव के लिए पृथ्वी पर सुला दे। पिताजी जय शंकर की। जय शंकर की। पिताजी आज आपके मुखमंडल की आभा इतनी क्षीण क्यों हो रही है? आपने किस कारण से मुझे याद किया? पुत्र हीरावण, एक बार तुम्हारी बुआ बहन स्वरूप लिखा दंडक वन में विहार करते हुए गई। वहां पर दो अयोध्या के राजकुमार अपनी सुंदर स्त्री के साथ आए। जब उसने उस स्त्री से बात करनी चाहिए तो उन्होंने उसके साथ छल करना चाहा। जब उसने उसका विरोध किया तो छोटे तपस्वी ने उसके नाक और कान काट डाले। बस हमने तत्पश्चात अपने हृदय में धड़कती प्रतिशोध की ज्वाला को शांत करने के लिए उनकी सुंदर स्त्री का हरण कर लिया। तभी से हमारा उन तपस्वियों से युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में पुत्र खन्नर और भ्राता कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हो चुके। वीर गति को प्राप्त हो चुके। हाँ, हम तुमसे यही चाहते हैं कि तुम अपनी छल से मां से हम दोनों तपस्वियों को मां रणचंडी की भेंट चढ़ा दो। पिताजी ये तो आपसे बहुत भारी भूल हो गई। जो बिना सोचे विचारे आपने व्यय बढ़ा लिया इसलिए सेना और वंश का नाश हो गया। मुझे ऐसा कार्य करना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आपके हित के लिए मैं जाता हूं और दोनों भाइयों का हरण करके देवी को बलि चढ़ाता हूं। परंतु पुत्र हमें कैसे ज्ञात होगा कि तुमने उन दोनों तपस्वियों का हरण कर लिया है? आपको कैसे ज्ञात होगा जब रात्रि में एक सूर्य के समान प्रकाश दिखाई दे तो आप समझ लेना कि मैंने अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर ली है। और होगी और बचेगी। जीत की तुम तभी मेरी फिर से रोशन होगी सोने की लंका मेरी। जाओ पुत्र जाओ विजय भव। जाता हूं मैं।
हो।